हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब बेटा? बेटा, आज मैंने जो डीपीपी और वर्कबुक दी थी, कितने बच्चों ने उसे सॉल्व किया है? तो जल्दी से बताओ कमेंट करके, आज की वर्कबुक और डीपीपी को कितने बच्चों ने किया है? और झूठ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? जिन बच्चों ने किया केवल वही हाँ लिखेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो नो लिखेंगे, है ना? ये देखिए, ये वर्कबुक है, इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, है ना? तो आज प्लांट किंगडम की प्रोवाइड की थी ना मैंने। अच्छा, ज्यादातर बच्चों ने किया है, चलो वेरी गुड, ठीक है। ओके बेटा, कल लो वरना समय निकल जाएगा तो पछताना पड़ेगा, है ना? और अब हमारे पास 60 डेज का टाइम बचा हुआ है ना? 60 डेज, तो 60 डेज की एक स्ट्रेटेजी भी मैंने अपलोड की और रियलिस्टिक है। मैं ये नहीं बताऊंगा उसमें कि 2 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ये बताया है कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई की है तो अगले 2 महीने में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी। क्योंकि तो बच्चा पूछता है कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या 60 दिन में सिलेक्शन हो सकता है? तो बेटा, यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल हैं जो 60 दिन नहीं, 2 दिन में और 1 घंटे में आपका सिलेक्शन करवा देंगे। और पूरा थंबनेल बना के देते हैं कि 400 से 600 1 घंटे में, है ना? 1 घंटे में 400 से 600, अरे मजाक है क्या ये? हाँ, बाबा जी की गोली है क्या कि गोली खाई और 400 600 एक दिन में पहुंच गए? अबे इतनी तेज तो डिसिप्लिन भी नहीं काम करती जितनी तेज ये 400 से 600 पहुंचाते हैं। तो बेटा, केमिस्ट्री का प्रीमियम यूट्यूब से हटा दिया गया लेकिन नीट बूस्टर पे अवेलेबल है ना? हाँ बेटा, अनुराग सर कराएंगे थोड़ा सा, अभी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चीजें कर रहे हैं इसलिए इस टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरी बात आज हुई थी, कराएंगे वो, है ना? नहीं, ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं कि 1 घंटे में सिलेक्शन कैसे लें, है ना? ये बाबा बंगाली हो गए सब यूट्यूबर्स ज्यादातर। पाव बंगाली नहीं, प्यार में धोखा, सौतन से छुटकारा, है ना? मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी, निसंतान रोगी, वो सब 5 मिनट में सॉल्व करते हैं केस। तो वैसे भी यूट्यूब पे भी 5 मिनट में नीट में सिलेक्शन भी होने लगा है ऐसे चैनल। अब मैं किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, है ना? लेकिन तुम लोग जानते होगे, अच्छी तरीके से जानते होगे, है ना? 2 चैनल 3 चैनल ऐसे मैंने देखे जो यही काम केवल करते हैं, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं, और उनपे व्यूज भी ज्यादा आते हैं, उनपे 1-1 लाख व्यूज होते हैं। मैं यहाँ पढ़ाई कराता हूँ तो 3,000 4,000 5,000 व्यूज आते हैं, 10,000 व्यूज आते हैं, 50,000 आते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस पे 2-2 लाख व्यूज आते हैं, है ना? वसी करण मतलब नीट को वस में करो। डोडू बेटा एकदम ठीक है अभी, है ना? तो बायोलॉजी के मॉक टेस्ट जो रह गए बेटा, अभी तो जो एक चल रहा है यही कर लो, यही बहुत है, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत थक जाता हूँ, है ना? एक गुबेला आ गया। अच्छा, इस गुबरेलो को शायद वो बात अच्छी नहीं लगी कि मैं दूसरे की टांग खींच रहा हूँ, है ना? इनको अपने चैनल का नाम बदल के बाबा बंगाली रख देना चाहिए, है ना? बेटा, प्रीमियम वीडियो की स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक? शोभेंद्र, प्रीमियम में स्पीड चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता होगा सेटिंग का, एक ऑप्शन आता है ना, सेटिंग का एक बटन बन के आता है, तो सेटिंग का जो बटन बन के आता है वहां से आप स्पीड और चेंज कर सकते हैं ना, ऐसे सेटिंग का एक बटन आता है ना, मैंने बनाने की कोशिश की है बटन। अच्छा चलो, उनको लड्डू बनाने तो हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। फुल एनसीईआरटी टेस्ट। हाँ, जेसीबी की खुदाई पे 2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। मतलब देश में कितने, मैं क्या बताऊं,
चलो तो हाँ, नीट बूस्टर पे चेंज कर सकते हैं बेटा नैन्सी, ठीक है। चलो तो ये बताओ कि कौन सा मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं, कोई आइडिया है इस बारे में? किसी को कोई भी आइडिया हो कि आज कौन सा मॉक टेस्ट हम करने जा रहे हैं? बस तुक्के लगाओगे तुम लोग, एक्चुअल तो किसी को पता नहीं मेरे अलावा कि कौन सा मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं, है ना? तो चलो 52, 46, 49, 47। बेटा 49 तो हो चुका है, 46 भी हो चुका है। अच्छा चलो, तुक्का लगा है मुकुंद कुमार का, मुकुंद का तुक्का लग गया। और इतने बच्चों में से मुश्ताक खान खान का तुक्का लग चुका है। अच्छा चलो, मनीषा का तुक्का लग गया, दैट इज 51। आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं 51, इसके 90 क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। स्पीड में थोड़ा करेंगे बेटा, ठीक है। इफ द बायो रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेस्ड विदाउट ऑथराइजेशन, इट विल कम अंडर बायो रिसोर्स। अगर किसी के बायो रिसोर्स का बिना किसी अनुमति के यूज किया जाता है, दैट इज नेम्ड एज, दैट इज बायो पायरेसी। इसे बायो पायरेसी कहा जाता है। सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से गलत ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स सिक्रीटेड बाई पेराइटल सेल, इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, तो ये तो सही है। बाइल एक्टिवेट लाइपेजेज, ये भी सही है। सक्कस एंटेरिकस, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इंटू न्यूक्लियोटाइड, ये गलत है बेटा। ये न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में चेंज करता है, इसमें अंदर जो न्यूक्लियोसाइडेजेस होते हैं, और फिर जो न्यूक्लियोसाइडेज होता है बेटा, वो न्यूक्लियोसाइड को शुगर और बेस में चेंज करता है। एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ये सही। तो गलत स्टेटमेंट क्या है? सी गलत हो जाएगा, ठीक है। द वर्टिब्रेट मैगजीन हैज बीन क्लासिफाइड अंडर विच डिवीजन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के किस डिवीजन में? प्रीमियम में आज ही मैंने ये पढ़ा है चैप्टर बेटा, है ना, एनिमल किंगडम। और मैंने कहा था इस बात को ध्यान भी रखिएगा। तो मिग्जीन की अगर हम बात करें तो मिग्जीन का डिवीजन आपसे पूछा गया है। अब देखिए, ज्यादातर बच्चे ए ऑप्शन करें, साइक्लोस्टोमेटा। तो बेटा साइक्लोस्टोमेटा क्लास ए डिवीजन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। आपसे पूछा डिवीजन गया, आप सारे बच्चे क्लास आंसर कर रहे हो बेटा। देखिए, जो मिग्जीन है वो साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ, तो एग्नेथा का मेंबर। यहाँ पर एग्नेथा जो है वो डिवीजन है, और हमारा डिवीजन पता है क्या है? ह्यूमन का डिवीजन क्या होता है? दैट इज नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा उनका डिवीजन है जिनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं, और एग्नेथा उनका डिवीजन जहां पर जॉ एब्सेंट होते हैं। इस तरह की गलतियां आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। आपने सीधे देखा कि मिग्जीन दिया गया, पर साइक्लोस्टोमेटा पे आप जाके कूद गए। ऐसे नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। द परसेंटेज ऑफ प्रपोर्शन ऑफ होमोजाइगस पेरेंट इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज, यहाँ फिल करना है। द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगस पेरेंट इन द F2 जनरेशन ऑफ ए डाईहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में चार प्रोजनी बनते हैं और दो पेरेंट होते हैं बेटा, और दोनों पेरेंट कैसे होते हैं? होमोजाइगस। तो चार में से दो पेरेंट हैं, है ना, चार प्रोजनी दो पेरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि 50% जो अगर आप प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो प्रोजनी के रिस्पेक्ट में 50% पेरेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे? होमोजाइगस हो जाएंगे। लेकिन अगर डाईहाइब्रिड में तो 16 प्रोजनी है और 16 पेरेंट दो होते हैं, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज आप निकालोगे तो परसेंटेज क्या आ जाएगा? दैट इज 12.5%, 12.5%। यानी प्रोजनी के रिस्पेक्ट में जो पेरेंट हैं वो 12.5% होमोजाइगस हैं, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर इज लेसर देन द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगस पेरेंट इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ग्रेटर देन होगा बी।
बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो परसेंटेज प्रोपोर्शन पेरेंट का है बेटा प्रोजेनी के कंपैरिजन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 50% है और डाईहाइब्रिड क्रॉस में 12.5%। क्या समझ पाए क्वेश्चन को आप? क्या क्वेश्चन और उसका जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं कुछ दिमाग में जा रहा है? कुछ समझ पा रहे हो तुम लोग? अच्छा, कल वगैरह ये क्वेश्चन अच्छा नहीं बिल्कुल। अच्छा, बच्चे नहीं समझ, अच्छा कुछ बच्चे समझ गए हैं कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हैं। अच्छा बेटा, आप इतना समझो कि आपसे कहा है कि द परसेंटेज प्रपोर्शन, परसेंटेज पे पहले ध्यान दो, परसेंटेज प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब हिस्सा ऑफ होमोजाइगस पेरेंट इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस एच। पहले इतना देखो आप, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 4 प्रोजनी F2 में बनती हैं और पेरेंट तो दो ही है ना बेटा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों होमोजाइगस हैं कि नहीं है। तो अब 4 प्रोजनी और 2 पेरेंट दोनों होमोजाइगस हैं, तो 4 में से 2 होमोजाइगस हो गए, मतलब 50% आ गया। अच्छा, अब अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस में जाओगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप ऐसे लिख देते ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ये पेरेंट हो गया, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, दूसरा ये पेरेंट हो गया। अब ये 2 पेरेंट है, दोनों होमोजाइगस और 16 प्रोजनी बनेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में, तो 16 में से 2 होमोजाइगस पेरेंट है, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? 12.5%। अभी को समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आयन इज यूज्ड इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को कौन एक्टिवेट करने का काम करता है? क्वेश्चन नंबर 5, अब समझ में आया? अच्छा, सब में फिर से वीडियो एक बार देखिएगा, है ना, इसको जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आसान क्वेश्चन है, दैट इज मैग्नीशियम आयन। डिटरमाइन द ऑर्गेनेल दैट विल रेगुलेट द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग वाटर पोटेंशियल। तो कौन सा ऑर्गेनेल है जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन को रेगुलेट करने का काम करता है? दैट इज वैक्यूल, वैक्यूलर सैप इसके अंदर पाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है वाटर पोटेंशियल के लिए। ए पर्सन, ये बहुत बढ़िया सवाल है, वर्किंग इन ए स्पिनिंग मिल फॉर सेवरल ईयर, ये एक मिल में काम करता है, नाउ एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर द प्रॉब्लम एज्यूमिंग दिस इज द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। ये वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बेटा पर्टिकुलर जहां पर ग्राइंडिंग की जाती वहां पर पर्सन को ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है? फाइब्रोसिस ऑफ द लंग, है ना, फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन सीधा सा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है? तो एनसीईआरटी में दिया गया गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फिगर शोन बिलो। पहले तो फिगर पहचानना है कि जो फिगर आपको दिया गया किस चीज का फिगर है बेटा, दैट इज कॉपर टी, ये कॉपर टी का फिगर आपको दिया गया। अच्छा, मैंने जो पोल कराया था बेटा उस पोल में करीब 60% बच्चे 10 बजे ही टाइमिंग चाहते हैं, 20% बच्चे 5 बजे टाइमिंग चाहते हैं, है ना, और बाकी 6 बजे 8 बजे 9 बजे 5 5 6 6% बच्चे हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम बच्चों को यही टाइम सुटेबल है रात में, जो 10 बजे हम कराते हैं। अब ये कॉपर टी है तो इसको पढ़िए जरा, ऑप्शन इसके क्या क्या दिए गए हैं। दिस डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, सही है। द डिवाइस इज कॉपर रिलीजिंग विच सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ये भी सही है। इट इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, ये भी सही है। इट डिक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ इनफर्म स्पर्म, ये गलत है बेटा, इन इंक्रीज कॉपर टी फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, हम्म,
अच्छा मुझे लग रहा था बफरिंग हो रही क्या। ठीक चला है ना, ठीक है चलो देखते हैं। बढ़िया सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 10। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय ए सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एट द सिक्स पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू दिस म्यूटेशन। सिक्स पोजीशन पे क्या हुआ था? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अब ग्लूटामिक एसिड क्या एसिडिक है, तो बेसिक वाला ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, है ना, तीन एसिडिक हैं। और वैलिन क्या है बेटा, वैलिन इज न्यूट्रल, है ना, तो एसिडिक अमीनो एसिड यानी ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय न्यूट्रल अमीनो एसिड वैलिन। ये नया सवाल लगा मुझे, है ना, ये नया सवाल है। तो क्लियर है बेटा, ठीक है ना, हाँ डी हो जाएगा। श्यामा प्रसाद इज ए 24 ईयर ओल्ड प्रीस्ट एट ए टेम्पल। पुजारी है ये, प्रीस्ट मतलब पुजारी। ही इज ए प्योर वेजिटेरियन एंड हैज नेवर कंज्यूम मीट एग और फिशेज। ही कंप्लेन ऑफ वीकनेस पेलनेस एंड एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब थकावट। ऑन दिस ब्लड रिपोर्ट द एरिथ्रोसाइट आर लार्जर देन नॉर्मल, विच ऑफ दिस कुड बी पॉसिबल कॉज ऑफ दिस। तो बेटा देखिए, आरबीसी का साइज बढ़ गया जब आयरन की डिफिशेंसी होती है, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। माइक्रोसिटिक एनीमिया, उसमें आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है। यहां पर आरबीसी का साइज बढ़ गया है, तो इसका मतलब आरबीसी का साइज बढ़ता है, तो साइनोकोबालामिन और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर होगा। और वेजिटेरियन है, जो साइनोकोबालामिन है दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 पर्सन को किसी प्लांट से मिलता ही नहीं, ये एनिमल फूड से मिलता है। ओनली विटामिन दैट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। ठीक है फातिमा, कमेंट शो हो रहा है बेटा, लेकिन बफरिंग हो रही है मुझे लग रहा है ना, बफरिंग हो रही। अभी सही हुआ, अभी ठीक है ना, क्लियर है बेटा अभी। अभी बफरिंग तो ठीक हो गई ना मुझे लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट करेक्टली रिलेट टू बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। करेक्टली रिलेट द बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, चलिए देखते हैं। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एक्टिवेटेड स्लज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एक्टिवेटेड स्लज में, एक्टिवेटेड स्लज जो होता है उसमें एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। बायोगैस का प्रोडक्शन एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं, मिथेनोजन। मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरियम, नहीं बेटा एनारोबिक होता है। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज ए प्योर मीथेन, नहीं बेटा ये प्योर मीथेन नहीं होता है। प्योर मीथेन नहीं होता है, जो बायोगैस होता है बेटा उसमें 50 से 70% मीथेन होता है ना, 50 से 70% मीथेन होता है। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन केवल यहां पर करेक्ट और बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज क्रेडिटेड एज द फर्स्ट वन टू बी आइसोलेटेड। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था है? तो आप जानते हैं, सीधा सा क्वेश्चन है, दैट इज HindI2। HindI2 ये सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। विच ऑफ दीज एपिथेलिया डज नॉट हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम कौन करती है, क्यूबॉइडल और कॉलमनर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ये डिफ्यूजन में रोल प्ले करता है, ये डिफ्यूजन बाउंड्री के रूप में काम करता है। तो इसका मतलब है कि ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करेगा। द पेशेंट इज गिवेन एन एंटी वेनम इंजेक्शन फॉर स्नेक बाइट इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। एंटी वेनम दे रहे हैं यानी एंटी वेनिन दिया जा रहा है, और जो एंटी वेनिन दिया जाता है बेटा, उस एंटी वेनिन में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं। और अगर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज पर्सन को दी जा रही हैं, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज पर्सन को दी जा रही, तो इसका मतलब ये कौन सा तरीका है, दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, द सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लैंड टू इट्स हार्मोन एंड फंक्शन। पहला है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, नहीं बेटा ये BMR को रेगुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता, नहीं गलत हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द DCT ऑफ द नेफ्रॉन, ये सही है।
कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन आपको बताया गया है जो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। बॉल्टिंग इन बीट कैबेज बिल्कुल बॉल्टिंग कॉज करता है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर विद जिब्रेलिक एसिड डिलेज द मैच्योरिटी पीरियड। डिले नहीं करता बेटा, हैसन करता है, बढ़ाता है मैच्योरिटी पीरियड को, तेज करता है। इलोंगेशन ऑफ एप्पल एंड इम्प्रूव्ड सेप, ये भी ठीक है। यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेवरी इंडस्ट्री, ये भी सही। तो गलत क्या है, बी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ब्रेविंग इंडस्ट्री कहते हैं जो शराब का व्यवसाय होता है उसके लिए, है ना। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट फॉर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के लिए कौन सा गलत है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द नेफ्रॉन किडनी, बिल्कुल सही, ज्यादा अबंडेंट होते हैं, करीब 80-85% नेफ्रॉन यही होते हैं ना। देयर ग्लोमेरुलाई लाइज क्लोज टू द इनर मार्जिन ऑफ द कॉर्टेक्स नियर मेडुला। नहीं बेटा, ये जो इसका ग्लोमेरुलस होता है ये कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, आउटर मार्जिन की तरफ पाया जाता है। दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम एंड वाटर सप्लाई इज नॉर्मल, सही है। लूप ऑफ हेनले शॉर्ट इन साइज, ये भी सही। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आज मैं बच्चों को बुलाना भूल गया यार, देखो 20 क्वेश्चन के बाद मुझे याद आ रहा है। लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी भी तो है बेटा, मेरी सारी जिम्मेदारी है क्या? बस ऐसी वीडियो बना दो कि 2 मिनट में सिलेक्शन कैसे लें, बस उसके बाद देखो। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहा करो तुम लोग भी। पढ़ाई लिखाई से इन लोग कोई मतलब नहीं होता, बस स्ट्रेटेजी बताते रहते हैं हर दिन एक स्ट्रेटेजी। 60 दिन बचेंगे तो उसकी स्ट्रेटेजी, फिर 61 दिन बचेंगे तो उसकी एक स्ट्रेटेजी, फिर 58 दिन बचेंगे उसकी एक स्ट्रेटेजी, 56 दिन बचेंगे उसकी, रोज एक स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। और बताएंगे क्या उसमें आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब वो तो हमें भी पता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो 400 से 600 नंबर एक दिन में आ जाएगा। ऐसा कहीं होता है? चलो, तो हाँ, 19 में व्हिच ऑफ द नेम बोन दैट इज नॉट लेबल। तो ये फीमर दिखाई गई है, ये पटेला है, ये टीबिया है, तो जो नहीं लेबल है वो कौन सी है, फिबुला हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऐसे लोगों से दूर रहा करो बेटा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर ए मिसमैच। वैसे देखो इतना टाइम मिल गया थी कि अब बहुत सारे बच्चे आराम भी कर रहे हैं, है ना। आप देखिए कि ये जो रात का लाइव सेशन हुआ करता था इसमें 450-550 बच्चे हुआ करते थे। अगर नीट 26 जुलाई को होता तो उससे ज्यादा बच्चे हो गए होते, क्योंकि अब 13 सितंबर को है तो बच्चे को लगता कि कितना टाइम है। खूब तनके खूब सो रहे होंगे, बहुत लोग मूवी देख रहे होंगे, है ना, बहुत लोग मजे कर रहे होंगे, इधर उधर फोन पे बात कर रहे होंगे। अभी जब 1 महीने बचेगा ना तो फिर नीट को पोस्टपोन करो, नीट को पोस्टपोन करो, केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब यही करते रहेंगे, है ना। उचित दूरी बहुत जरूरी, हाँ, ऐसे लोगों से तो दूरी बहुत जरूरी है। तो नहीं, अब ऐसे लोगों को देख देख के थोड़ा गुस्सा तो आती ही है। मिसमैच बैक्टीरिया, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर। बेटा हेमलता परेशान के, इस समय लोड वर्कलोड बहुत ज्यादा है, है ना। अच्छा जी, कैसे कैसे उदास लग रहे हो। उदास क्या मतलब, थोड़ा सा थकावट लग रही है, और कोई बात नहीं है ना। तो और कोई बात नहीं बेटा, थकावट की बात है केवल, है ना। अभी ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर ये तो बैक्टीरिया से होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंजाई से होता है, तो ये गलत पेयर है। फंजाई ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट एंड रेड रॉट ऑफ शुगर केन, हाँ ये दोनों तो फंजाई से ही होते हैं। वायरस टोबैको मोजेक एंड टर्नी मोजेक, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट क्या है, मिसमैच क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 20 का ए मिसमैच है बेटा, कोई डी भी कर रहा है,
क्यों बेटा ऐसे कर रहे हो? विच आर द फॉलोइंग अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज? टोटल इकोसिस्टम सर्विसेज की 50% कॉस्ट किसके लिए होती है? सॉयल फॉर्मेशन के लिए, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए 10% होती है, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए 6% होती है, और रिक्रिएशन के लिए होती है, रिक्रिएशन के लिए 10% होती है, और हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए 6% होती है। ठीक है, तो पांचों डेटा यहाँ पर आपको मैंने बता दिए। डिटरमाइन द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। तो क्या लिखा है? एक्टिवेट एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अभी किया था, मैग्नीशियम कर लो। इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड हेल्प इन द मेंटेन राइट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, तो मैग्नीशियम हो जाएगा तीनों के लिए। विच ऑफ दिस पार्ट ऑफ द मकोए प्लांट इज इनकरेक्टली इनकरेक्टली डिस्क्राइब्ड। ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर, एक मिनट एक मिनट। ये एक्चुअली जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ का आ गया, ये लीफ का पॉइंट यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, तो लीफ देखिएगा। लीफ कैसी है? अल्टरनेट है, सिंपल है, एक्सिस्टिपुलेट है और रेटिकुलेट विनेशन है। ठीक है, करोला में पेटल 5 गैमोपेटलस विद वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, गाइनोशियम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस विद बाइलॉकुलर सुपीरियर ओवरी। सही है, और सीड करें मेनी सीड इन ए फ्रूट विदाउट एंडोस्पर्म। ये गलत है, सीड यहाँ पर विद एंडोस्पर्म होते हैं, तो ये विदाउट जो लिखा है ये गलत है, विद एंडोस्पर्म, क्योंकि सोलनेसी डाइकॉट की फैमिली, लेकिन यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। स्वान सेल विद नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड। स्वान सेल देखिए, नॉन मेडुलरी का मतलब अनमाइलिनेटेड है ना, अनमाइलिनेटेड को नॉन मेडुलरी कहते हैं। तो अनमाइलिनेटेड की अगर हम बात करते हैं, तो अनमाइलिनेटेड में अगर आपसे कह रहा है कि नोड ऑफ रेनवियर है, तो माइलिन सीथ भी होगी, तो अनमाइलिनेटेड में तो माइलिन सीथ नहीं होगी, मेडुलरी में ही पाई जाएगी। अब मेडुलरी एग्जॉन मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड एग्जॉन है ना, माइलिनेटेड एग्जॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड एग्जॉन होते हैं, उनमें स्वान सेल माइलिन सीथ को बनाते हैं, और दो माइलिन सीथ के बीच जो गैप होता है वो नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है। ठीक, मेडुलरी का मतलब माइलिनेटेड, और नॉन मेडुलरी का मतलब अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ देम एज एन एडॉप्टेशन टू द एनवायरमेंट इन द डेजर्ट लेजर्ड द कंडीशन। ठीक, देखिए, बरोइंग इन द सॉयल टू एस्केप हाई टेम्परेचर। सही है, लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। नहीं बेटा, जो लेजर्ड है, रेप्टाइल है, और ये पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, तो ये हीट को लॉस नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर में, गेन करते हैं। बास्क इन द सन व्हेन द टेम्परेचर इज लो। ये सही है, बास्क मतलब धूप में अपनी बॉडी को सेकना। इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, ये भी गलत है, ये सील में पाया जाता है ना, ब्लबर जिसे आप कहते हो। तो आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, तो करेक्ट पेयर क्या, 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट पेयर होंगे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। इन C4 प्लांट द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड टू प्रोड्यूस C3 एसिड एंड CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर इन। C4 एसिड क्या है? मैलिक एसिड है बेटा, है ना, और ये जो मैलिक एसिड होता है या एस्पार्टिक एसिड होता है, C4 एसिड होता है, और इस C4 एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन होने से एक CO2 रिलीज होता है और एक C3 एसिड बनता है। CO2 केल्विन साइकिल में चला जाता है, और केल्विन साइकिल कहाँ चलती है? बंडल शीथ के अंदर, तो ये रिएक्शन चलती है बंडल शीथ। स्ट्रोमा क्यों कर रहे हो बेटा? ये रिएक्शन बंडल सीथ के अंदर चलती है, क्या कर रहे हो तुम लोग बेटा? जो CO2 है ये फिर स्ट्रोमा के अंदर एंटर करेगा, है ना, ये रिएक्शन बंडल सीथ सेल के अंदर चलती है। इट, तुम लोग बहुत गलतियां कर रहे हो। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कलरलेस सेल आर मॉडिफाइड फ्रॉम द एडेक्सियल एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ इन ग्रासेस एंड नियर द वेन। व्हाट इज दिस मॉडिफाइड सेल कॉल्ड एज? कलरलेस, एम्पटी, ग्रासेस में कौन सी सेल होती है? बुली फॉर्म सेल। और बुली फॉर्म सेल क्या करती हैं? बुली फॉर्म सेल लीफ सरफेस के एक्सपोज करती हैं और क्लोज भी करती हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेडिग्री, विच ऑफ दिस डिजीज कुड इट रिप्रेजेंट। तो बेटा देखिए, यहाँ पर ये पहली जनरेशन हो गई, ये दूसरी जनरेशन है, और ये तीसरी जनरेशन है। आप देखिए, कल ही क्वेश्चन मैंने NTA में कराया था मॉक टेस्ट में, कि ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में डिजीज जा रही है, ग्रैंड फादर से। देखिए,
ग्रैंड फादर से फादर में बीमारी नहीं है लेकिन ग्रैंड सन में आ गई, दैट इज स्किप, है ना, ये स्किप जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जनरेशन स्किप हो गई, उसमें बीमारी नहीं है लेकिन अगली जनरेशन में बीमारी आ गई, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसका करेक्टर है? एक्स सेक्स रिंग रिसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर बीमारी कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कुछ समझ में आया बेटा? कुछ तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन द इनकरेक्ट वन। चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ इसमें से। वन थर्ड क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, ठीक है बेटा। डेली प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ समझ में आएगा, है ना, अचानक से ये समझ में नहीं आएगा। कुछ को ऊपर से निकल गया। व्हेन पॉलन इज सेट एट टू सेल्ड स्टेज, सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं बेटा, टू सेल स्टेज पर भी सेट करेगा तो थ्री सेल स्टेज तो बनेगी और डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये तो गलत हो गया। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, ये सही है। पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ, बिल्कुल। सोलनेसी रोजेसी फैमिली में इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये भी सही है। तो गलत क्या है? ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 30, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन विद द करेक्ट मैच फॉर टिश्यू और टिश्यू पार्ट टू देयर फीचर्स। चलिए बताइएगा, करेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करना है यहाँ पर। जाइलम पैरेन्काइमा आपको दिया गया है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम क्या स्टोर करता है? टैनिन को स्टोर करता है। स्क्लेरीट की अगर बात करें तो फ्रूट वॉल ऑफ नट में पाई जाती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन द मोनोकोटिस्टम, मोस्ट ऑफ मोनोकोटिस्टम। वेस्टल ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंगो, मैंगो ए पॉपुलर, बेटा देखिए जो हम चीजें सीखते हैं ना, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे इसी तरीके से हम करते रहेंगे तो हर एक टॉपिक को, हर एक तरह के क्वेश्चन को हम टच कर लेंगे। फाउंड विद मेनी वेरिएशन इन फ्लेवर कलर फाइबर कंटेंट सुगर कंटेंट इंक्लूडिंग सेल्फ लाइफ विच कैन बी रीजन फॉर सच ए ह्यूज वेरिएशन। तो मैंगो में हमें पता कौन सी डाइवर्सिटी होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। द बिलो इमेज रिप्रेजेंट ए टाइप ऑफ एनिमल विच बिलोंग टू द जीनस, ये किस जीनस से बिलोंग करता है? ये एनिमल किस जीनस से बिलोंग करता है, ये आपको क्या दिखाया गया है? एनसीईआरटी में बेटा फिगर तो यही दिया गया और उसमें लिखा हुआ है शायद प्रॉन, है ना, प्रॉन लिखा हुआ है। प्रॉन होता है झींगा मछली, है ना, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है कि जो प्रॉन होता है वो झींगा मछली है बेटा। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपसे पूछा गया, इसका जीनस आपसे पूछा गया है। हाँ ठीक है, प्रॉन ही है ना, झींगुर कहते हैं, झींगुर, झींगुर कहते हैं, झींगा मछली कहते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पैलीमोन, ठीक है। हाँ लिमुलस तो लिविंग फॉसिल होता है, वो अलग है, ठीक है बेटा। एसीडिया साल्पा डोलियोलम वो तो वहाँ मेंबर है, कॉर्डेटा फाइलम में, है ना। ऑफ्यूरा ब्रिटिल स्टार इकांडरमेटा का मेंबर है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशंस इज ऑब्जर्व इन। प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर है बेटा, और ये स्ट्रक्चर कहाँ पर बनता है? स्लाइम मोल्ड में, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज करेक्टली रिलेटेबल विद डीएनए। डीएनए से करेक्टली कौन रिलेट करता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन विच टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड रन पैरेलल टू इच अदर, नहीं बेटा एंटी पैरेलल। द चीफ बॉन्ड टू होल्ड द मोनोमेरिक यूनिट टूगेदर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी गलत है। मोनोमेरिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, उनको होल्ड करता है कौन? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन एंड फेसेस इनसाइड, ये सही है।
डीएनए इज ए होमो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। According to ABO system, the commonest blood group in human population is X. Why is the rarest blood group is Y? If wife has X blood group and husband has Y blood group, then children will have which of the following? तो सबसे commonest blood group कौन सा है? O। और सबसे rarest कौन सा है बेटा? Rarest blood group है AB। अब करें कि वाइफ का ब्लड ग्रुप एक्स है मतलब ओ, और हस्बैंड का रेयरेस्ट मतलब वाई है ए बी। अब करें कि इनके चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बेटा देखिए, ओ में एक ही जीनोटाइप बनता है, दैट इज स्मॉल आई, और ए बी में दो जीनोटाइप तो एक ही बनेगा, आई ए आई बी। अब ओ ब्लड ग्रुप में तो होमोजाइगस कंडीशन, तो गैमिट एक ही तरह के बनेंगे आई, और यहाँ पर दो तरह के गैमिट बनेंगे, 50% गैमिट में आई ए एलील जाएगा और 50% में आई बी एलील जाएगा। अब अगर ये आई फ्यूज करेगा आई ए से तो आई ए आई बनेगा, और अगर आई फ्यूज करेगा आई बी से तो आई बी आई का फॉर्मेशन होगा। अब आई ए का ब्लड ग्रुप, आई ए आई का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा और आई बी आई का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा ड्यू टू डोमिनेंस, है ना। तो यहाँ पर बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, बस दो ब्लड ग्रुप बच्चों के हो सकते हैं। आल कैसे हो सकते हैं बेटा? सारे ब्लड ग्रुप कैसे पॉसिबल है? देखो मैंने करके दिखाया तो है, सारे ब्लड ग्रुप कैसे पॉसिबल हैं? दो ही तो ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, या तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा या फिर बी ब्लड ग्रुप बनेगा। सारे कैसे हो सकते हैं? तुम लोग कैसे करते हो बेटा? अभी तुम लोग ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, जबकि इसको मैंने एक अलग वीडियो भी बना के डाली हुई है कि ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें आप। कुछ समझ पाए तुम लोग? लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको कॉमनेस्ट और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी जानना पड़ेगा। एकता इसमें घूमने वाली कौन सी बात है बेटा? ये तो बहुत सीधी सीधी सी बात है। अच्छा एक क्वेश्चन था शिवाकरी जिसमें सारे ऑप्शन थे, अरे बेटा वो अलग था, ये अलग सवाल है। ऐसे रट्टा थोड़ी मारते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन आप रट के थोड़ी जाओगे एग्जाम में। Which of the following cartilaginous ring support will not be observed? Cartilaginous ring याद है? Cartilaginous ring कहां से कहां तक पाई जाती है? Trachea से लेकर initial bronchial तक, पाई जाती है। अब trachea से initial bronchial तक कौन मिलेगा? Trachea में तो होंगी, trachea के बाद primary bronchi, secondary bronchi, initial bronchial सब में तो होगा, लेकिन जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, टर्मिनल ब्रोंकियोल को रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी कहते हैं, इसमें सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाई जाती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेटा क्वेश्चन गलत होने का कारण या तो आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे, है ना। मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें कॉन्सेप्ट सही तरीके से नहीं पता, वो क्लासरूम वीडियो लेक्चर 3000 में जो दिए जा रहे हैं वो परचेस कर लें, और 60 दिन का टाइम है, कवर कर सकते हैं वो बायो को, है ना, अभी अगर चाहें तो। द फॉलोइंग वर द ऑब्जर्वेशन मेड फ्रॉम एन इन्फेक्शियस एजेंट, क्या लिखा है? स्मॉलर देन वायरस, इट्स न्यूक्लिक एसिड हैज राइबोज एज ए सुगर, लैक ए प्रोटीन कोड। तो किसकी बात हो रहा है बेटा? वायरॉइड के बारे में बात हो रही है। सेलेक्टेड डिजीज इट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज, कौन सी डिजीज होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, है ना, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अच्छा ये जो दो बीमारियां दी गई हैं, लीफ कर्ल और लीफ रोल, ये वायरस से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वायरॉइड के बारे में पूछा गया। देखो इसमें भी बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, बेटा ध्यान से नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे तुम लोग? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज PSTD, ये डिजीज वायरॉइड के द्वारा होती है। लीफ कर्लिंग और लीफ रोलिंग वायरस से होने वाली बीमारियों में सिम्टम आता है। ठीक है, और ये तो एनसीईआरटी में बेटा आपको दिया गया है। ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन एट विच स्टेज द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट विदाउट द सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेकिंग अबाउट। होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी रहती हैं, वो अलग नहीं हो रही हैं।
तो किसकी बात हो रही, एनाफेज वन की बात हो रही। एनाफेज वन में सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते हैं, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। एंजाइम रिकॉम्बिनेज हैज ए सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। इन विच फेज इट इज एक्टिव, किस फेज में ये एक्टिव होता है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम बेटा क्रॉसिंग ओवर में रोल प्ले करता पैकीटिन में। अब पैकीटिन आपको ऑप्शन तो नहीं दिया गया, तो पैकीटिन कहां पे आता, प्रोफेज वन की एक स्टेज हो जाएगी। ओके बेटा, डिटरमाइन द करेक्ट मैच फॉर द गिवन कॉलम। चलिए देखिए जरा, बताइए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। 40 के लिए अब मैं ऐसा करूंगा, 15 सेकंड का आपको टाइम दे दिया करूंगा क्वेश्चन के लिए, है ना। वैसे स्पीड तो ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा तेज चल रहा हो, है ना, या बहुत धीमे चल रहा हो। पिछले 40 मिनट में हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ठीक है, इतना टाइम बचा के करो भी क्या तुम लोग, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 40 का कुछ आंसर निकला, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, अच्छा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क को मैच करा दीजिए मिल्क से, ठीक है, मिल्क लेट डाउन। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सॉल्ट वाटर बैलेंस, इसको यहाँ से मैच कराइए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एलएच मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, हाइपरथायरॉयडिज्म डीमिनरलाइजेशन। तो A3 B2 C1 D4 बी ऑप्शन हो जाएगा। बी अगर आपने किया तो सही किया है। 41, क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 1 है। हैज हाउ मेनी जीन एंड क्रोमोसोम Y हैव बी जीन। तो क्रोमोसोम 1 पे कितने जीन पाए जाते हैं, 2968, और Y पे कितने होते हैं, 231 जीन पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, लेकिन एनटीए ने अपने आंसर में डी को आंसर दिया है, ठीक है। एनटीए ने डी आंसर दिया, लेकिन इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। डी क्यों कर रहे हैं बेटा, तुम लोग क्यों डी कर रहे हैं, ये तुम लोग डी क्यों कर रहे हैं पहले मुझे ये बताओ। या तो तुम लोग एनटीए का मॉक टेस्ट कर चुके हो इसको, और वहां तुमने डी रट लिया इसको। एनसीईआरटी याद करो बेटा, ये तुम लोग मिस प्रिंट नहीं बेटा, ये एनटीए वालों ने ही दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, मैं सही बात मैंने बता दी, वो ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे गलत क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल विच मेक अप 0.1% इम्प्योरिटीज ऑफ वेस्ट वाटर कंपोजिशन। 0.1%, तो सबसे पहले सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड में क्या आ जाएगा, सिल्ट सैंड क्ले आ जाए। कोलोइडल मटेरियल में क्या आ जाएगा, फीकल मैटर बैक्टीरिया क्लॉथ एंड पेपर। और डिजोल्व में क्या आ जाएगा, डिजोल्व में आ जाएगा नाइट्रेट अमोनिया सोडियम कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो ए को 3 से मैच कराया, बी को 2 से, और सी को 1 से, है ना, ये आंसर आपको मिल गया। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो देखते हैं, बायो मॉलिक्यूल आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स इन द लिविंग स्टेट। बिल्कुल, फ्लक्स मतलब लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं। लिविंग प्रोसेस इज ए कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इन टू इक्विलिब्रियम, ये भी सही है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बायो मॉलिक्यूल का क्रैश कोर्स पढ़ सकते हैं। मेटाबोलिज्म प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। लिविंग स्टेट एंड मेटाबोलिज्म इज सिनोनिमस, ये भी सही है। इसमें तो सारे सही, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तुम लोग तुक्के लगाते रहते हो और कोई काम नहीं करते हो। कोई बी किए दे रहा, कोई सी किए दे रहा, कोई ए किए दे रहा है, ऐसे मत करो बेटा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी को, उसमें तो नहीं गलती करनी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 44, जहां ऑल देखते हो जाके पूछ जाते हो तुरंत। फ्रॉम द फॉलोइंग द पैथोजन दैट विल लीड टू द
अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन नेल स्कैल्प एकम्पनीड बाई इंटेंस इचिंग, तो किसकी बात कर रहे हैं? रिंग वर्म की बात कर रहे हैं, है ना। और रिंग वर्म जिसे आप कहते हैं दांत खाज खुजली, है ना, एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा होगा, है ना, लगाते ही लगाते आराम अनाउंसमेंट जो करते हैं ना बाहर बेचते रहते हैं, तो माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम से रिंग वर्म नाम की डिजीज होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कातिल मलहम और जालिम लोशन, कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपने कभी सुने? और अभी मुझे कल का प्रीमियम भी रिकॉर्ड करना है इसके बाद। इन द लिम्बिक सिस्टम वी विल फाइंड, लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन सी चीजें मिलती है? लिम्बिक सिस्टम में इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसके अलावा हिप्पोकैम्पस आ जाता है, एमाइगेट ला जाता है, पॉन्स और सेरिबेलम तो इसका पार्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। अरे मार्केट आप जाते होगे तो वहां पर एक ठिलिया लेके घूमते रहते थे लोग और माइक सेट अनाउंसमेंट करते रहते थे, है ना, कि लगाते ही लगाते आराम। कुछ कभी ऐसा ध्यान दिया तुम लोगों ने? तुम लोग तो इंग्लैंड से हो ना, तुम लोगों को कहाँ पता होगा, तुम लोग मार्केट क्या जानो मार्केट क्या होता है, तुम लोग तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से हर चीज ऑनलाइन ही मंगवा लेते हो, है ना। अभी अभी इंग्लैंड से तुम लोग लैंड किए हो, है ना, तुम लोग को ये सब कहाँ पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज प्रोबेबली वेजिटेरियन विद ब्रेन कैपेसिटी बिटवीन 650 to 800 cc? 650 से 800 क्रेनल कैपेसिटी किसकी थी? 650 से 800 cc। क्वेश्चन नंबर 46। That is Homo habilis, ठीक है, Homo habilis, ये सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है। In citrus, apomictic embryos are observed which arise from, citrus में कहें apomictic embryo, apomixis के द्वारा, बेटा apomixis की अगर हम बात करते हैं तो citrus में आपसे पूछा है कि apomictic embryo, ये तो कई बार कराया जा चुका है, apomictic embryo का formation maternal sporophytic tissue in the ovule, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू मतलब न्यूसिलस की सेल के द्वारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोस का फॉर्मेशन होता है, न्यूसिलस की सेल प्रोट्रूड कर जाती है एम्ब्रियो सैक के अंदर और बिना फर्टिलाइजेशन के नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके सिलेबस में ही नहीं है एनसीईआरटी में, ऑस्टियोपोरोसिस है लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, तो इसका मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आपसे पूछा नॉट रिलेटेड, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, बेटा एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड से गाउट होता है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता, तो ये ऑप्शन ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए गलत है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में देख लीजिएगा, एक पेपर और पेन रखा करो अपने पास में और देखा करो कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो आपसे गलत हो रहे हैं, उनको लिखते रहा करो ताकि जब भी पीडीएफ मिले और कभी रिवाइज करना पड़े तो क्या रिवाइज करोगे आप रिवाइज क्या करोगे? क्या सारे 90 क्वेश्चन रिवाइज करोगे? नहीं बेटा, जो जो आप गलतियां कर रहे हो उन उन क्वेश्चन को रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन सीधे सीधे उनको रिवाइज नहीं करना है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आपको दिखाया गया है, इसमें ए बी सी और डी आपको ढूंढना है, ठीक है, ए बी सी डी ढूंढना। ए क्या है यहाँ पर? बी के चारों तरफ एक डिस्चार्ज कोरोना दिखाया गया है, कोरोना मतलब आभा मंडल, ये कोरोना आजकल क्या 4 महीने से जिंदगी हम लोग की खराब किए हुई है। बी क्या है? निगेटिवली चार्ज वायर आपको दिखाया गया है। सी क्या है? कलेक्शन प्लेट आपको दिखाई गई है। और डी क्या है? डस्ट पार्टिकल आपको दिखाए गए हैं, तो ए आ गया यहाँ पर, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। The ugonial cell start dividing and enter into the of meiotic division and get temporarily arrested at that stage called. तो बेटा prophase 1 of meiotic division में अरेस्ट हो जाती हैं और जिस स्टेज में जाती है उसे प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है। ड्यूरिंग ओजेनेसिस एट प्यूबर्टी दीज ओसाइट
गेट सराउंडेड बाई ग्रेनुलोसा सेल एंड कॉल्ड, तब इन्हें प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रोफेज वन प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी फॉलिकल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं बेटा। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ लिलिएसी, लिलिएसी के लिए आपको कैरेक्टर यहां पर बताने हैं, लिलिएसी के लिए आपको कैरेक्टर बताने हैं। ठीक है, चलो बताओ, लिलिएसी में सिक्स टेपल, जाइगोमॉर्फिक गलत, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, टेट्रामेरस नहीं बेटा, ट्राइमेरस हाँ सही, एक्टिनोमॉर्फिक, पॉलीएंड्रस सुपीरियर ओरी, एक्साइल प्रेजेंटेशन हाँ बिल्कुल, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, अच्छा सम्मी कह रहे हैं कि सर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता। हाँ ये भी काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके उनको आप स्टोर कर सकते हो, एक उनका अलग ग्रुप आप ग्रुप बना सकते हो अपने मोबाइल में, है ना, एक फोल्डर बना के उनमें सेव करते जाओ, जब रिवीजन करना हो तो उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। अच्छा सीमा क्या कह रही कि सर एक बात तो है आप बहुत मेहनती हैं। अच्छा सैम कह रहे हैं सर आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है लाइफ में, आइडियल फॉर एवर, थैंक यू बेटा। तो मैं कॉमेडी करना शुरू करूं, तुम लोग कह रहे हो कि सर इतना उदास क्यों है, बेटा ये थोड़ा सा चलो अच्छा, तो चलो ठीक, तो थोड़ा मजे भी पढ़ लेते हैं और क्या। अच्छा दीपचंद कह सर मैं 3000 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रखे हूँ, वाह क्या बात है, 3000 क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन मैंने दे भी तो दिए होंगे, तो 10% क्वेश्चन तुमने स्क्रीनशॉट ले रखे, वेरी गुड। अच्छा गौरव करे तलाक की वजह से तलाक की वजह से मैं तनहा हो गया। अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। अच्छा हमने तक नहीं सर, ये सर मुझे बायो एकदम नहीं आता था लेकिन अब बहुत कुछ आता है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, नहीं परेशान नहीं हूँ, चलो जब क्वेश्चन करते रहते हैं, द केमी ऑस्मोटिक नहीं उस मैंने ब्लॉक कर दिया था बेटा, है ना, मैंने तुरंत ही ब्लॉक कर दिया था, मेरा दिमाग खराब होता है ना तो फिर। अच्छा सिलेक्शन लो फिर मिलते हैं, ठीक है, नहीं मुझे भी मन करता है कि तुम लोगों से मिलूं, है ना। और अच्छा स्लॉथ कह रहे हैं कि सर आप सुपर हीरो हमारे, अरे वाह क्या बात है, दिल से शुक्रिया तुम लोगों को। अच्छा पानी नहीं पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं बेटा, आप जोश आ गया वैसे थोड़ा तुम लोगों की बातें सुन सुन के, है ना। चलो तो ये देखो सालिनी फिर कह रही कि अनुराग सर केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं करवा रहे हैं, बेटा कराएंगे, थोड़ा सा टाइम उनको दे दो बेचारे को, बेचारे सर तुम्हारे इस समय फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पे काम कर रहे हैं ना, लेकिन तुम लोग ये भी कहोगे कि तुम लोग तीनों पे काम कर रहे हो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वाली जी, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग चीजें होती है ना। अच्छा अर्चना कह रही सर आपके पैर छूना चाहते हैं, अरे बेटा वैसे हम लोगों के कल्चर में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो पैर नहीं छूती हैं, जैसे मेरी बेटी है ना तो उसके पैर मैं ही छूता हूँ, है ना। भूमिका बेटा कहाँ रहे, तो दोपहर के सेशन में आप नहीं थे क्या, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया अगर दोपहर के सेशन में आप नहीं थे। अच्छा बहुत कुछ आपने मिस कर दिया, ठीक है तो चलिए
बढ़ते हैं। केमियास्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस दैट एटीपी इज फॉर्म, बिकॉज एटीपी के फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो एटीपी का फॉर्मेशन बेटा होने के लिए क्या जरूरत होती है? द प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट सबसे इसेंशियल होता है अगर हम फॉर्मेशन करना चाहते हैं एटीपी का। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन आपने किया है तो सही है। ठीक है मेरे चरण अरे तुम लोग दिल से याद कर लिया करो, मैं ऐसे भी खुश हो जाता हूं। ठीक है, जो दोपहर की क्लास नहीं किया उसने बहुत कुछ मिस कर दिया आज, है ना। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम फिनाइल किटन्यूरिया लैक एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ। फिनाइल किटन्यूरिया में कौन से एंजाइम की कमी होती है? फिनाइल एलनीन, फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होने से फिनाइल एलनीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तुम लोग इतनी इज्जत देते हो कभी कभी हाँ तो दोपहर ऐसे तो मैं कांड हो गया था है ना, और उस कांड में कई लोग शामिल थे है ना, कुछ लोगों ने मिस कर दिया उस कांड को आग लग गई, रेंगा कहते आग लग गई थी 12 बजे अच्छा अच्छा जितेंद्र के रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया है। अच्छा नहीं मतलब क्या, एक ही चीज पे वही बात, एपिकल डोमिनेंस, पीडीएफ कब मिलेगी, ये क्लास कब होगी, वो क्लास कब होगी। अब क्या हुआ था मैं अब नहीं बताऊंगा, अब इधर कुछ होगा तो अभी मैं वही ट्रेलर दे दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से है ना अच्छा जिज्ञासा, थैंक यू बेटा। एपिकल डोमिनेंस को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें क्या करना है बेटा, डीकैपिटेशन करना, हमें जो एपिकल बड है उसे रिमूव करना है। एपिकल बड का जो रिमूवल होता है उसे डीकैपिटेशन कहते हैं, और इससे एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ पीडीएफ मांगकर शर्मिंदा ना करें शर्मिंदा ना करें ना, शर्मिंदा ना हो। ठीक है, पीडीएफ मांग मांगकर शर्मिंदा ना हो, ये तो क्वेश्चन बहुत कठिन, लेकिन एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेटा। विद रिस्पेक्ट टू द सीड डायग्राम गिवन बिलो चूज द ऑप्शन विद करेक्ट लेबलिंग। तो मैं करेक्ट लेबलिंग आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे जो बी दिया गया है ये कॉटलीडन दिया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन में ए को कॉटलीडन लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपको दिया गया है दैट इज हाइपोकॉटिल, जो डी दिया गया वो हाइपोकॉटिल दिया गया है, तो यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 56 पे चलते हैं। इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर सीवेज माइक्रोब आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर विच आर हेल्ड टूगेदर बाई फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मिस लाइक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन तो एनटीए के मॉक टेस्ट में हमने कई बार किया है। दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्स, इसे फ्लॉक्स का नाम दिया जाता है ना, जब बैक्टीरिया और फंजाई के दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और जाल की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उससे फ्लॉक्स का नाम दिया जाता है, दैट इज नेम्ड एज फ्लॉक्स। कंसिडर टू प्लॉट वेयर प्लॉट एक्स हैविंग लेस स्पीसीज कंपेयर टू प्लॉट जेड, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स एंड जेड। करें प्लॉट एक्स में कम स्पीसीज हैं, जेड में ज्यादा स्पीसीज हैं, तो करेक्ट बताना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि किसका एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट का नाम बताना है पीडीएम मांग के अपनी बेइज्जती ना कराए इतनी पीडीएफ मैंने दी है कि तुम लोग होता इकट्ठे संभाल नहीं पा रहे होगे। कम से कम अगर मैं बताऊं आपको तो 500 पीडीएफ तो मैंने दी ही होंगी है ना। नहीं, 500 पीडीएफ तो कम से कम मिली होंगी आपको। हाँ ये डेविड टिलमैन, बिल्कुल रोहित, डेविड टिलमैन है ना, डेविड टिलमैन ने ये बताया था। तो अब क्या लिखा है कि प्लॉट एक्स शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। नहीं बेटा, अगर
जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, स्पीसीज ज्यादा होगी, वहां लेस वेरिएशन होगी। तो ये गलत है, एक्स में तो कम स्पीसीज है ना। बी में लिखा प्लॉट जेड, प्लॉट जेड इज लेस रेजिस्टेंट टू नेचुरल डिस्टर्बेंस। नहीं बेटा, प्लॉट जेड में ज्यादा स्पीसीज तो ये मोर रेजिस्टेंट होगा, ये भी गलत हो गया। प्लॉट एक्स है ये मोर प्रोडक्टिविटी देन प्लॉट एक्स। ये क्या लिख गया है क्वेश्चन नंबर 57 में, यहां पर जेड होना चाहिए। तो बेटा जहां पर स्पीसीज ज्यादा होंगी उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड प्लॉट जेड हैज मोर प्रोडक्टिविटी देन प्लॉट एक्स, ये सही है, डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत। डेविड टिलमैन वाला पॉइंट है ना, एनसीईआरटी में दिया गया, हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट एट ए टाइम। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ एक टाइम में बाइंडिंग कर सकता है? चार मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और HbO2 होल 4 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। HbO2 होल 4 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाता है, तो 4 हो जाएगा, है ना। वैसे NTA ने इसका जो आंसर दिया है ना वो एटम के हिसाब से दे दिया बी, NTA के मॉक टेस्ट में इसका बी आंसर दिया गया, जबकि सही आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 ऑन ट्रांसलेशन, ध्यान से करिएगा। mRNA produces a polypeptide chain which contain 50 amino acid. If 26th codon of the mRNA UUU mutated and changes to UUC, then the polypeptide chain will be. बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। ट्रेलर ऑनलाइन मूवी क्लास में अच्छा क्या कर रहे हो? तुक्के लगा रहे हो? कुछ लोग कह रहे हैं पार्सली चेंज, कुछ कंप्लीटली, कुछ कह रहे हैं ओनली वन अमीनो एसिड चेंज। सही आंसर है सी, नॉट चेंज। यू 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 किसके लिए कोड करता? फिनाइल एलेनिन के लिए। इसकी जगह पर क्या गया? यू यू सी आ गया, ये भी फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है। तो क्या चेंज हुआ? साइलेंट म्यूटेशन है, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यू यू सी के म्यूटेशन से यू यू सी बना, लेकिन यू यू सी भी फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, इसलिए यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक, वही सेम प्रोटीन बनेगी, नो चेंज। कुछ समझ पाए आप लोग? दिस इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन, या कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन। विच काइंड ऑफ फिलामेंट आर सिलिया एंड फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ? दैट इज, जल्दी से बताओ, सिलिया और फ्लैजिला में कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन से फिलामेंट होते हैं? तीन तरह के फिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहां पर कौन से होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें ज्यादातर बच्चे देखे सी ऑप्शन नहीं कर रहे थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 59 जो मैंने कराया है। तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये तो बहुत सीधा सा सवाल है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन रिगार्ड टू हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम। हार्डी बिन इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है ना। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सही है। जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हार्डी बिनबर प्रिंसिपल, नहीं बेटा, हार्डी बिनबर प्रिंसिपल को इक्विलिब्रियम को अगर मेंटेन करना तो जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। इवोल्यूशन अकर व्हेन हार्डी बिनबर प्रिंसिपल इज डिस्टर्ब, बिल्कुल। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, ये सही। तो गलत क्या है? बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जोस्टेरोफिलम इज एन एंसेस्टर ऑफ, जोस्टेरोफिलम मैंने आपको कुछ ऐसे पढ़ाया था, क्लोरोफाइट एंसेस्टर याद आ रहा है? क्लोरोफाइट एंसेस्टर, क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर बनता था, फिर राइनिया टाइप प्लांट बनते थे, है ना, कुछ याद आ रहा है ऐसा? और राइनिया टाइप के प्लांट से फिर साइलोफाइटॉन बनता था, है ना।
अब यहाँ पर क्लोरोफाइट एंसेस्टर से एक ब्रांच निकलती थी जो ब्रायोफाइट में जाती थी, फिर ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर से एक ब्रांच निकलती थी जो कि फॉर्मेशन करती थी जोस्टेरोफिलम का, और जोस्टेरोफिलम से फॉर्मेशन होता था किसका, लाइकोपोड का। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, जो आपको मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा था इवोल्यूशन का, उसमें जाके देखिएगा, इस तरीके से मैंने आपको उस फिगर को पढ़ना सिखाया है। कुछ समझ पाए आप लोग? जिसने उस स्टेप फिगर को सही तरीके से पढ़ना सीखा होगा वही ये क्वेश्चन कर सकता, वरना हिलेगा नहीं ये सवाल। ये सवाल उतना आसान नहीं है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज। पहला क्या है, इंजेक्शन ऑफ स्नेक बाइट, एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अभी हमने किया था ये पैसिव होता है, क्योंकि जो एंटी वेनम होता है उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है तो वो पैसिव का केस बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे कि सर्टेन प्रोटोजोअन हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। आज ही दोपहर वाले सेशन बताया था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को ईस्ट में बनाया गया था, जो कि फंगस है। इफ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अननोन रीजन द बॉडी विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट ए पैथोजन। बिल्कुल, अगर बी लिम्फोसाइट नहीं तो एंटीबॉडी कैसे बनेगी, क्योंकि बी ही एंटीबॉडीज बनाती, तो ये सही है। इंजेक्शन ऑफ डेड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉजेज पैसिव इम्यूनिटी। नहीं बेटा, अगर डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगी, दैट इज एक्टिव। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64। ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन द मिल्क प्रोड्यूस्ड इज टर्म्ड एज। इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, शुरुआत के कुछ दिनों का जो माँ का दूध होता है बेटा, उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इसमें कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा होती है ये भी मुझे आप बता दो। क्वेश्चन नंबर 65। इन यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको ट्रांसक्राइब करता है? मोहम्मद मोबिन के लिए अगर नीट में ऐसे आ गया तो डूब जाएंगे बेटा। ऐसा ही पेपर नीट में रहता है, इस समय जो एनटीए का पेपर आ रहा है ये नीट में इसी तरह का लेवल रहता है। ठीक है, तो इसको आप तैयार करो अच्छे से। ठीक है, हाँ ठीक, आईजीए होता है, ठीक, वेरी गुड। कोलेस्ट्रम में यहाँ पे बताओ, यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, और एमआरएनए का प्रिकर्सर क्या होता है, एचएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज पहले एचएनआरएनए को बनाता है, फिर प्रोसेसिंग के बाद स्प्लाइसिंग कैपिंग टेलिंग के बाद में एमआरएनए बन जाता है। व्हिच इज द रिक्वायरमेंट हैविंग सैंपलिंग पोर्ट इन ए बायोरिएक्टर। सैंपलिंग पोर्ट, पोर्ट मतलब दरवाजा रास्ता, तो सैंपलिंग पोर्ट से हम क्या करते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 66। विड्रॉइंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर पीरियोडिकली। समय समय पर थोड़ा थोड़ा कल्चर यहां से बाहर निकालते रहते हैं। ऑन द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है? हैबिट पे, कलर पे, नंबर पे, शेप ऑफ लीफ पे, ठीक है, एंड्रूशियम स्ट्रक्चर पे, हाँ लिनियस ने दिया था, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सच एज क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर, ये इस पे होता है, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। और साइटोटैक्सोनॉमी किसका एग्जाम्पल है, फेनेटिक सिस्टम का। चार तरह के सिस्टम क्लासिफिकेशन के हम पढ़ते हैं, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम और फेनेटिक सिस्टम। तो जो सी है वो फेनेटिक सिस्टम है, और जो ए और बी है वो आर्टिफिशियल सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन इकोसिस्टम द टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स आर। इकोसिस्टम में दो स्ट्रक्चरल फीचर, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन, ध्यान नहीं दोगे गलत होगा। करो, एनर्जी फ्लो और डीकम्पोजिशन, दीज आर फंक्शनल फीचर। ये दोनों फंक्शनल आस्पेक्ट है, फंक्शनल कंपोनेंट है। स्पीसीज कंपोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन, ये दोनों क्या है, स्पीसीज कंपोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन,
दीज आर द स्ट्रक्चरल फीचर, तो स्ट्रक्चरल फीचर 1 और 4 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। देखो सबके बी ऑप्शन लिखे हुए हैं, ज्यादातर बच्चों ने बी किया है, जबकि जो एनर्जी फ्लो, डीकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है ना, ये सारे फंक्शनल कंपोनेंट, 4 फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्लियर? और गलतियां हो रही है ना, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे सवाल हैं, धीरे धीरे आप साथ में रहोगे तो ये सब चीजें सीखते जाओगे। जिनको सोना है उनको सोने दो, है ना, जिनको पढ़ाई करनी है उनको पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ RU486। ये बेटा एक केमिकल है जिसका यूज किया जाता है एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, MTP है ना, MTP में इसका यूज किया जाता है। RU486 दैट इज मेप्रेस्टोन कहते हैं, है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 69। तो ब्लॉक द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। बिल्कुल, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है और ये प्रोजेस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक करती है, एकदम सही है। इट इज एंटागोनिस्टिक टू एस्ट्रोजन, नहीं है एस्ट्रोजन के अपोजिट इसका काम नहीं, ये गलत है। लीड टू डेथ ऑफ एम्ब्रियो फॉलोड बाई स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, बिल्कुल ये भी सही है। इनहिबिट द रिलीज ऑफ SCG फ्रॉम प्लेसेंटा, SCG हार्मोन भी प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है, तो यहाँ पर बी गलत है। ये नया सवाल है, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बेटा देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है तो उसमें अगर यूज करते हैं तो एम्ब्रियो की डेथ तो होनी ही, ये थोड़ा सा समझो, है ना, ये नया सवाल है, और ये नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के सवाल, एक दो सवाल, दो चार सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आप जो NTA दे रहा कम से कम वो क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इन ब्रायोफाइट द मेन प्लांट बॉडी, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है। हाँ, MBBS क्वेश्चन का MBBS लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल मुस्ताक। हाँ, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो गलत हो रहे हैं आपसे, है ना, और फिर इनको बाद में रिवाइज कर लीजिए। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं, और ये गैमेट को प्रोड्यूस करती है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द BT टॉक्सिन, BT टॉक्सिन के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या था, टॉक्सिन इज मेड बाय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, नहीं बेटा, इस टॉक्सिन को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाता है, बैक्टीरिया, है ना। द टॉक्सिन इज ए प्रोटीन एंड इंसेक्टिसाइडल, ये तो सही है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्टिव फॉर्म, नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में बनता, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय क्राइसिन, ये भी सही है। तो करें इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट कौन से हैं, ऑल एक्सेप्ट 2 और 4, 2 और 4 को छोड़ के बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 71 का ऑप्शन क्या निकल के आया, बी निकल के, ए निकल के, सॉरी 71 का ए निकल के आया ऑप्शन। व्हाट इज एप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन इन नैनोमीटर, बेटा आपने जो साइज पढ़ा है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर पढ़ा हुआ है, 25 से 50 माइक्रोमीटर मतलब 25 to 50, माइक्रोमीटर मतलब 10 to power -6 मीटर। अब आपसे पूछा है नैनोमीटर में बताइए, तो इसको अगर नैनोमीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो नैनोमीटर का मतलब ये हुआ कि 25,000 to 50,000 into 10 to power -9, ये, और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यही वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नैनोमीटर अगर आपको करना है तो 10 to power -9 होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नैनोमीटर में ये वैल्यू आ जाएगी, ये मैथमेटिक्स से थोड़ी सी, ठीक, ये बायो नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बेटा कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जियोस्पोर, ये तीनों तो कहां पर आते हैं, एसेक्सुअल में, ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। आपसे सेक्सुअल में पूछा है,
तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन, जाइगोस्पोर जो जाइगोट होता है उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है जिसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं, है ना। जब उस सिस्ट बना लेता है जाइगोट तो उसी को हम जाइगोस्पोर कहते हैं। और जाइगोस्पोर या जाइगोट कब बनता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, स्वीट पोटैटो सोज होमोलॉगी टू। अभी क्वेश्चन जितना आसान दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा ही खतरनाक है। अभी देखिएगा आप, पहले आप ऑप्शन करिए फिर मैं बताता हूँ। इससे ये पता चलेगा कि कितना ध्यान देते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 74, में आप ऑप्शन देखते चलिए, बच्चे क्या कर रहे हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये ऑप्शन आ रहे हैं सब बच्चों के। देखिए ए बी सी, कुछ बच्चे बीच में डी डी भी कर रहे हैं, है ना। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को तो जिनको ए लग रहा है, तो स्वीट पोटैटो सोज होमोलॉगी पूछा है। पोटैटो और स्वीट पोटैटो तो एनालॉगस होते, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता है। स्वीट पोटैटो रूट है, किस तरह की रूट है, एडवेंटिशियस रूट। स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट जो होती है बेटा, जिससे हम एडवेंटिशियस रूट और ये फूड को स्टोर करती है। पोटैटो, कोलोकेसिया, जिंजर, ये तीनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है। और अगर ये तीनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है और स्वीट पोटैटो रूट है तो ये होमोलॉगस नहीं हो सकते, क्योंकि होमोलॉगस में ओरिजिन सेम होनी चाहिए। अब बचा ऑप्शन मेज, मक्का। मेज में कौन सी रूट होती है, स्टिल्ट रूट पाई जाती है। और स्टिल्ट रूट भी कैसी रूट है, एडवेंटिशियस रूट होती है। तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो में भी एडवेंटिशियस रूट है, मेज में भी एडवेंटिशियस रूट है, दोनों की ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट स्टोरेज करती हैं, मेज की स्टिल्ट रूट सपोर्ट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, बेहतरीन सवाल, डी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो कुछ समझ में आया कि जितना आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा था उतना सीधा सवाल नहीं था, ये बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन। मैं कहूंगा इस टेस्ट का एनटीए मॉक टेस्ट 90 में से सबसे बढ़िया सवाल था ये, है ना। तो हाँ, एकदम नया सवाल, दिमाग खोल देगा आपके, है ना। ऐसे क्वेश्चन रोज अगर आप दो चार सीखते रहोगे ना, दो चार क्या, अगर आप 90 क्वेश्चन करते तो 10 सवाल तो मैं आपको सिखा ही दूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन टाइप के होंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और दोपहर के सेशन में तो कम से कम 15-20-25 सवाल एकदम नए आपके लिए होते हैं, है ना। और ये एकदम गजब सवाल जिसे हम कहते हैं। चलिए, कॉकरोच आर टाइप ऑफ इंसेक्ट, ये सब क्या बताया, क्वेश्चन क्या है। बोथ मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच हैव एब्डोमेन दैट शो हाउ मेनी सेगमेंट, बताइए मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन में कितने कितने सेगमेंट होते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए, जरा मैच करके बताइए। हाँ, क्या कर रहे हैं बेटा इसमें, बेटा मेल कॉकरोच फीमेल दोनों के अब्डोमेन में 10-10 सेगमेंट होते हैं। इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ये ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में 10-10 सेगमेंट होते हैं। चलो राइजोपस मैच करो, राइजोपस किससे बिलोंग करेगा, फाइकोमाइसिट से, ऑस्टिलेगो, बेसिडियोमाइसिट से, एस्परजिलस, एस्कोमाइसिट्स और कॉलिटोट्राइकम ड्यूटेरोमाइसिट से। तो ए बी, 1B, 2C, 3D, 4AB ऑप्शन हो जाएगा 76 में, 77 में, चलो 77। ये तो मैं पहले भी करा चुका हूँ शायद, है ना। एलिरॉन लेयर, एलिरॉन लेयर क्या करेगी बेटा, एलिरॉन लेयर न्यूट्रिशन, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्कोटिलम, कॉटलिडन द मोनोकॉटसिड, हाइलम द स्कॉर एंड द सीट कोट। तो 1B, 2A, 1B,
क्वेश्चन नंबर 77 में कुछ मैच कर रहा है। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो मैं सही कर देता हूँ। ए को 2 से मैच कराना है, ए को 2 से मैच कराना है। चलो ऑप्शन में एक अलग बना देता हूँ, 2A। समझ में तो आ गया होगा ना तुम लोगों को। 1B, 3D एंड 4C। ठीक ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें कुछ टाइपिंग में मिसप्रिंटिंग हो गई है। द ऑर्डर फॉर द ग्रुप ऑफ फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडीज। कैनिडी और फेलिडी का दोनों फैमिलीज का ऑर्डर क्या कार नहीं हो रहा है। एंड विद कॉन वाइल कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलनेसी कम अंडर द ऑर्डर। कॉन्वोल्यूलेसी स्वीट पोटैटो की फैमिली है, सोलनेसी पोटैटो की फैमिली, दोनों पॉलीमोनियल में आते, तो कार्निवोर एंड पॉलीमोनियल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79। फॉलोइंग आर द इवेंट टेक प्लेस फॉर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। क्या स्टेप है? इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ग्लूकागन बढ़ रहा है, रिलीज इन ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेलेक्ट द ऑप्शन डिपेक्टिंग द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ दिस इवेंट। इनका करेक्ट सिक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ये सबसे पहला स्टेप होगा। जैसे ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा, वैसे ही ग्लूकेगॉन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करेंगे, ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन पैक करेगा और ग्लूकोज को रिलीज कराएगा तीसरे स्टेप में, और जब ग्लूकोज रिलीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो करेक्ट सिक्वेंस क्या मिला? 4-1-4 है, 4-2-3-1, 4-3-2-1, ए ऑप्शन। कुछ समझ पाया? क्वेश्चन नंबर 79 में, क्वेश्चन नंबर 79 में 4 नहीं 4 2 है ना, 4-2-3-1 है ना, 4-2-3-1 ये हो जाएगा, ठीक है, 4-2-3-1, ठीक है। समझ पाया? सी होगा, मैंने बी बता दिया था, ए बता दिया था, सी होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना। इसके लिए आपको जो हार्मोन का पूरा चैप्टर पढ़ाया गया उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सी ही होगा, ठीक है बेटा। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। चलिए पढ़ते हैं। द मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल एंड 70 राइबोसोम। गलत है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में, डबल स्ट्रैंडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फिशन, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया विद सिस्टर्न, नहीं सिस्टर्न नहीं तो गॉल्जी बॉडी में होती है, क्रिस्टी होती है। दीज आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सही है। तो आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। ये भी एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा, कहीं आप करेक्ट लगा के आ गए कि अच्छा 2 और 4 करेक्ट मिल गया और ऑप्शन जाके डी आपने लगा दिया। नहीं, डी गलत है बेटा, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में 1 और 3 हो जाएगा, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाए। ऐसी गलतियां भी होती है कि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया और आप करेक्ट आंसर करके चले आए। टू डिटरमाइन द होमोजाइगस कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रिसेसिव काउंटर पार्ट, सच ए क्रॉस इज नेम्ड एज। हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए उसका क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं, दैट कंडीशन, इस क्रॉस को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, कहा जाता है इसे। 82। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंसेक्ट आर फाइटोफेगस। फाइटोफेगस मतलब प्लांट के हिस्सों को खाते हैं, इकोलॉजी में आपको इसके बारे में बताया गया है ना। चलिए बताइए कितने परसेंट होते हैं, ये तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात आपको याद करनी है। That is 25%, B option. In how many trophic level can human function in a food chain? एक food chain में human कितने trophic level में हो सकता है? तो trophic level एक T1 होता है producer level का, then T2, T3, T4 है ना? ये चार trophic level होते हैं।
फोर्थ ईयर में ट्रॉफिक लेवल 3 से 4 तक ही एग्जिस्ट करते हैं। 4 ट्रॉफिक लेवल एनसीईआरटी में आपको दिए भी गए, T1, T2, T3 एंड T4। अब T1 लेवल किसके लिए है? प्रोड्यूसर के लिए। तो ह्यूमन प्रोड्यूसर तो हो नहीं सकता है, खाना हम प्रिपेयर तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर अगर आप प्लांट को खाते हैं, सीड खाते हैं, तो आप T2 लेवल पे हैं। अगर आप बकरी को खाते हैं तो आप T3 लेवल पे हैं, है ना। और अगर बकरी को खाने वाले को आप खाते हैं तो आप T4 लेवल पे आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ह्यूमन 3 लेवल पे हो सकता है, T2 में, T3 में और T4 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑर्गेनिज्म, अगेव एंड ऑक्सेलिस बल्बिल, एकदम सही है। वैसे एनसीईआरटी में अगेव में बल्बिल बताया गया, लेकिन ऑक्सेलिस में भी बल्बिल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम और अमीबा में बाइनरी फिशन, ये भी सही है। क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स में आपको दिखा गया स्पोरेंजियो स्पोर। तो स्पोरेंजियो स्पोर तो पाए जाते हैं कहाँ? फंजाई में पाए जाते हैं ना। जिंजर और बनाना में राइजोम दिया गया, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पेयर क्या? सी इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा 84 में। हाउ मेनी न्यूक्लियाई इज आर प्रेजेंट इन ए फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट? ध्यान दीजिएगा, फुल्ली डेवलप कह रहा है। फुल्ली डेवलप मेल गैमेटोफाइट का मतलब होगा 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज होती है बेटा, 3 सेल स्टेज होती है। 3 सेल स्टेज में एक होती है वेजिटेटिव सेल, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, और दो मेल गैमेट होते हैं, उनमें एक न्यूक्लियस होता है। तो कितने न्यूक्लिय हो जाएंगी? 3 न्यूक्लिय हो जाएंगी। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच स्टेटमेंट रिलेट करेक्टली फॉर इम्बाइबिशन एंड ऑस्मोसिस? इम्बाइबिशन और ऑस्मोसिस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या लिखा है? वाटर मूवमेंट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। बिल्कुल, इम्बाइबिशन और ऑस्मोसिस दोनों ही पैसिव प्रोसेस हैं, तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मूवमेंट होगा। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस? नहीं बेटा, दोनों ही पैसिव हैं। वाटर मूवमेंट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, ये भी गलत है। तो बोथ बी एंड सी तो हो नहीं सकता है, ए ऑप्शन दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग बोथ क्यों कर देते हो? जैसी बोथ देखते हो तुम तुरंत आंसर कर देते हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा बच्चों मेरे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इल्यूजन? ये मैंने कई बार एनटीए के मॉक टेस्ट में ही कराए, ठीक है। एनटीए के मॉक टेस्ट के ही करीब करीब 4000 क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, 4000, 4000, और 60 दिन है, 6000 क्वेश्चन और हो जाएंगे, है ना। तो एनटीए के ही 10000 क्वेश्चन आपके पास तैयार हो जाएंगे। चलो बताओ इल्यूजन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 87, द सेपरेटेड बैंड फ्रॉम डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल बेस। बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। 88, इन केस ऑफ मैमल टेस्टिस आर फाउंड इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड द विसरा बिकॉज? टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटल सैक के अंदर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरत होती है लो टेम्परेचर की। कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से? कितना कम टेम्परेचर होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 88, ये तो हो गया, ए ऑप्शन तो सही है, कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए। 89 पे चलते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द साइटोक्रोम वेयर द टर्मिनल ऑक्सीडेशन? तो सीक्वेंस तो आप जानते हो, BC1CA और A3। तो टर्मिनल कौन आया? A3 आया सबसे बाद में, तो यही हो जाएगा आंसर। हाँ, 2 से लेकर 2.5 डिग्री, ठीक है, 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब इसमें बच्चे 2 से 3 कर रहे हैं, 2.5 से 3 कर रहे हैं, 2 से 4 कर रहे हैं, तो 2 से 2.5 एनसीईआरटी ने जो दिया वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, एनसीईआरटी का ये बस थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड स्टेट द करेक्ट एनिमल एंड प्लांट ग्रुप रिप्रेजेंटिंग ईच बार। थोड़ा सा फिगर में बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, है ना। चलो देखो जरा इस फिगर को, दिखाई दे रहा अभी?
ये 1 आपको दिखाया गया है, तो ये देखिए 30% ये है, ये 20%, ये 10% है ना, तो 30 से ज्यादा दिखाया गया ये, है ना, 30 से ज्यादा दिखाया गया है, तो ये 32% है। ये देखिए ये कितना दिखाया गया है, 20 से थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया है, 23% है ये। ये 10 से थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया है ना, तो ये 12% हो गया, और ये 30 से एकदम थोड़ा सा ज्यादा 31% हो गया। तो 32% किसको खतरा है, 32% एम्फीबियन को, 23% मैमल को, 12% बर्ड को, और 31% जिम्नोसोम को। कुछ समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब AMBG है ना, ये AMBG आपको मिला। ठीक है, अब जो ऑप्शन आपको दिए गए उन ऑप्शन में जरा चेक कर लेते हैं, है ना, ये ऑप्शन आपको दिए गए, तो AMBG मैंने आपको बताया, AMBG बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी बढ़िया सवाल है, एनटीए के कुछ क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे हैं। ये परसेंटेज एनसीईआरटी ने आपको दिया और ग्राफ से आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये आपके बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो 90 क्वेश्चन हमें करने थे एनटीए मॉक टेस्ट 51 के कंप्लीट हो चुके हैं, NTA 51। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, और अगर अच्छी ना लगी हो तो आप लड्डू बना सकते हैं आपका जैसा मन हो। ठीक है, तो कल के लिए आपको पता है ना बेटा, कल जो 12 बजे का हमारा सेशन है उसमें 2 यूनिट करेंगे, एक लिविंग वर्ल्ड उसके 4 चैप्टर हम लेंगे, है ना, और दूसरा बायोटेक के 2 चैप्टर लेंगे, और इन 6 चैप्टर के 100 क्वेश्चन को हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो कल 12 बजे वाले सेशन में हम लोग मिलेंगे, और एक मैंने स्ट्रेटजी बताई है आपको अभी थोड़ी देर पहले, इस सेशन के पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है, तो उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, है ना, उससे कुछ डाउट आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे मुझे उम्मीद है, और अगर कोई डाउट होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड था और नीट में इसी लेवल का पेपर था, कल भी जो पेपर मैंने कराया था वो नीट का लेवल था, आज जो पेपर मैंने कराया है वो भी नीट का पेपर है ना। तो अब मुझे ये बताइएगा कि कितने कितने क्वेश्चन आप बच्चों के सही हुए हैं, आपने कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। मोनू के 83 सही हैं, संतोष के 80, फातिमा के 60, रोहित 82, एकता 84, अनिरुद्ध 78, बिलाल 75, प्रिया 75, वर्तिका 76, सौरभ 85। वेरी गुड बेटा, जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीजें तो आपको मिलनी है ना, तो लगभग वाला खेल मत करो बेटा, लगभग की लगभग इतने सही, आप कैलकुलेट करो, ये जो कैलकुलेशन है आपके काम आएगा रिवीजन करते समय, है ना, जब 10 दिन बचेंगे एग्जाम के तब आप इन सब क्वेश्चन को पलट के देखोगे कि ये सब गलती आपने की थी, और आप देखोगे निश्चित रूप से आपका एग्जाम में फायदा होगा। या डेली बेसिस पे आप देखो, जो बच्चे पिछले 1 2 3 महीने से जुड़े हैं, जब आप अगला मॉक टेस्ट करते हो तो कुछ चीजें पुरानी वाली आपके समझ में आती है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, और उससे आपका बेनिफिट भी होता है ना। नहीं, एनटीए के ऑल पेपर, एनटीए के बेटा तो इसकी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, बेटा इसमें भी कुछ डाउट है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी के फादर के लिए एरिस्टोटल भी आते हैं, फिर मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करते हैं वॉन बेयर आते हैं, कई जगह अलग अलग ऑप्शन भी दिए गए हैं ना, तो यूसुफ करे कि मिंटी होता तब रिजल्ट पता चलता, लेकिन मेंटी के थ्रू ये क्वेश्चन कराए नहीं जा सकते बेटा, है ना, मेंटी के थ्रू ये कम से कम एनटीए वाले क्वेश्चन तो नहीं कराए जा सकते हैं, है ना, एनटीए वाले क्वेश्चन मेंटी में नहीं कर पाओगे तुम लोग।
डीपीपी के चैप्टर नेम भी मेंशन किया करें सर। बेटा मेंशन तो मैं करता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें चैप्टर का नाम मेंशन कर देता हूँ कि इसके लिए है ना। तो हाँ थकावट तो हो रही बेटा, थकावट तो हो रही है क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत सारा काम है इस समय, लेकिन सेशन में नहीं मिस करता हूँ कि कम से कम आप कुछ चीजें सीखते हैं, 10-15 क्वेश्चन तो सीखते ही है ना। हाँ मोस्ट करेक्ट एरिस्टोटल फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के लिए, मेंटी में टाइम लेगा, लेकिन मेंटी में टाइम कम से कम आपको देना पड़ेगा 1 मिनट का। 1 मिनट का टाइम मैं क्वेश्चन के लिए दूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, तो इसकी वजह से फिर हर क्वेश्चन पे 2-2 मिनट लग जाएगा, फिर लीडर बोर्ड दिखाना होगा। तो 90 क्वेश्चन करने में अगर 2-2 मिनट आप लगाओगे तो 180 मिनट लग जाएगा, 3 घंटे लगेगा, जो अभी हम 1.5 घंटे में कर ले रहे हैं पेपर, है ना। मिनटी करवा दूंगा बेटा, परेशान मत हो, ठीक है। तो बेटा मॉक टेस्ट की टाइमिंग तो वही रहेगी, क्योंकि जो मैंने पोल कराया था उस पोल का रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो पोल मैंने कराया था उसमें अभी तक 1700 बच्चों ने उठ के, इसमें 56% बच्चे 10 बजे ही चाहते हैं, 23% बच्चे 5 बजे चाहते हैं शाम को, बाकी 5-5, 6-6% बच्चे जो बाकी टाइमिंग चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे, मैं 56% बच्चे एग्री हैं इसी टाइमिंग के लिए, तो हम इसी टाइमिंग को रखेंगे, फिर हम चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि जो ज्यादातर बच्चे चाहेंगे वही टाइमिंग हम रखेंगे, ज्यादातर बच्चे 5 बजे के लिए चाहते हैं तो फिर 5 बजे हम रख लेते हैं ना। ठीक है बेटा, तो अभी मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ है ना, तो आज मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। ओके तो हम लोग अब कल मिलेंगे 12 बजे, 2 यूनिट के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कोई अगर डाउट हो तो जल्दी से आप पूछिएगा, 2 मिनट के अंदर मैं डाउट क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं कल मिलता हूँ फिर, है ना बेटा। ठीक है, ये सेशन बेटा 10 ही बजे चलेगा है ना। हाँ अहमत करें कि 1700 बच्चे आते हैं, हाँ लेकिन वोटिंग करने आते हैं। अच्छा चलो बेटा ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।